हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का जो न्यू कट ऑफ रिलीज हुआ है एलएलबी के स्टूडेंटों के लिए है। जो एलएलबी के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने उससे कट ऑफ रिलीज किया है। आप यहाँ देख सकते हैं डेट 4 फरवरी 2021, यानी 4 फरवरी 2021 को जो कट ऑफ रिलीज हुआ है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का एलएलबी कोर्स के लिए, यानी एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए। अध्यक्ष विधि विभाग इलाहाबाद डिग्री कॉलेज बेनीगंज सूचित करते हैं कि एलएलबी प्रथम वर्ष 2020-21 में प्रवेश के इच्छुक सभी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में 186 अंक, यानी वो उनका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो के हों, ओबीसी के हों, यानी कोई भी कैटेगरी हो, अगर उन्होंने 186 अंक प्राप्त किए हैं या इससे ऊपर है, अधिक है, तो वो अपना एडमिशन ले सकते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में। तथा अनुसूचित जनजाति में 59 अंक, यानी एसटी के स्टूडेंटों के लिए 59 अंक तथा अर्जित किए हों, वे दिनांक 5 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य अपने साथ विधि प्रवेश परीक्षा 2020 का अंक पत्र, यानी जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था यानी एलएलबी का, उसका जो अंक पत्र है एवं प्रवेश पत्र की मूल प्रति, 4 रंगीन फ़ोटो, हाई स्कूल से लेकर अंतिम परीक्षा तक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति तथा आवश्यक शुल्क के साथ काउंसलिंग के लिए प्रवेश समिति के समक्ष महाविद्यालय के बेनीगंज परिसर में उपस्थित हों। प्रवेश के समय माइग्रेशन, टीसी, छात्र एवं अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है। दिव्यांग, स्पोर्ट्स तथा पाल्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 10 फरवरी 2021 तक महाविद्यालय के विधि विभाग कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अवश्य करें। तो आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही नॉलेज देना था कि एलएलबी का जो कट ऑफ रिलीज हुआ है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 4 फरवरी 2021 को, तो वो 5 फरवरी 2021 को बुलाए हैं एडमिशन के लिए। टाइमिंग 10 बजे से 12 बजे तक का है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका कितना मार्क्स है एलएलबी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पर आती रहती हैं।